Self-Made, presented by Brands Academy, powered by Introducing International Standard Air and RO Water Purifiers. Products from Future Choice Group, a leading diversified business group, assuring future. Knowledge Partner, WBR Corporation. Styling Partner, Lalit Dalmia. Beauty Partner, Kanchan's Hope Surat. Location Partner, BP Marine. नक्शे बनाता हूँ, घरौंदे बनाता हूँ, घर बनाता हूँ, बस्ती बनाता हूँ, ऊंचे मकान बनाता हूँ, आलीशान बंगले बनाता हूँ, मंदिर बनाता हूँ, पाठशाला बनाता हूँ, मधुशाला बनाता हूँ, सपने सजाता हूँ, सपने दिखाता हूँ, सपने बनाता हूँ। ढाई अक्षर का नाम मेरा, वास्तु ज्ञान का शौक मेरा, मैं गीता पढ़ता हूँ और कामसूत्र का अध्ययन करता हूँ, बदनाम हूँ, सरफिरा हूँ, आशिक मिजाज हूँ और आशिकों का आशियां बनाता हूं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो एक आर्किटेक्ट हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प बात इनके बारे में बता दूं, इनके हाथों में कोई भाग्य रेखा नहीं है, जी हां, लेकिन भाग्य को इन्होंने अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं भारत के जाने माने आर्किटेक्ट प्रेमनाथ जी का। जोरदार तालियां, वेरी वार्म वेलकम सर। प्लीज, गुड टू सी यू सर, प्लीज प्लीज आफ्टर तालियां। एपिसोड शुरू करने से पहले दोस्तों, आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसे हमने, हमारी पूरी टीम ने आप ही की जिंदगी की कुछ पलों से सजाया हुआ है। आज प्रेमनाथ भारत के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स में से एक हैं। अत्यंत ही गरीबी में पले प्रेमनाथ का जीवन बहुत प्रेरणादायक है। भारत में अधिकांश प्रसिद्ध व्यक्तियों के घर प्रेमनाथ द्वारा डिजाइन किए गए हैं। स्थापत्य कला की दृष्टि से आधुनिक भारत का हर पहला लैंडमार्क प्रेमनाथ से जुड़ा है, जैसे पूरी तरह शीशे से निर्मित बिल्डिंग और भारत की पहली ग्रीन बिल्डिंग। अब ये आर्टिफिशियल बीच बनाने में लगे हुए हैं। प्रेमनाथ द्वारा डिजाइन की गई बिल्डिंग स्पेशियस होती हैं, ये ग्रीन बिल्डिंग होती हैं और बाहर से काफी आकर्षक होती हैं। ग्रीन बिल्डिंग के क्षेत्र में इनका कोई सानी नहीं है। आजकल ये स्मार्ट सिटीज के निर्माण और डिजाइन से जुड़े हुए हैं। प्रेमनाथ 75 साल से ऊपर के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दिन रात काम में लगे रहते हैं। तभी इनकी वाइफ इनको कर्म योगी कहती है। What takes us like more than a day or a couple of days to design, वो 5 मिनट में सारा सोल्यूशन मुझे स्केच करके दे देते हैं, इंक्लूडिंग दी FSI, इंक्लूडिंग दी एलिवेशन, इंक्लूडिंग दी प्लानिंग, सर्कुलेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी। जिस काम के लिए हमें एक दिन, दो दिन, चार दिन लग सकते हैं, द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट ही हैज इज इमेंस। प्रेमनाथ जी, शुरू करते हैं शुरुआत से। हमने वीडियो में भी देखा, कहानी भी सुनी है कि आपका जो बचपन रहा है, आपकी जो शुरुआत रही है, बहुत ही कठिनाइयों से आप गुजरे हैं, आपने, आपकी पूरी फैमिली, कुछ बताइए उसके बारे में। जब भारत आजाद हुआ तो हम पाकिस्तान में रहते थे। अच्छा अच्छा। वहां पर तो हवेली थी, बाग बगीचे थे, बहुत कुछ था, लेकिन एक ही लपेट के अंदर जब वापस आए तो घर से बेघर हो गए, कुछ नहीं बचा, जिससे इतने सर्वनाश हो जाता है। एक हमारी माँ थी, उम्र 2 बच्चे थे और हमारा रेफ्यूजी कैंप, ये हमारा बचपन था। तो मेरी माँ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गई, बाई बोलते हैं ना, जो काम करती है मकानों में काम करती है। मेरी माता अनपढ़, माँ क्या करे बेचारी। अच्छा। बच्चों को उनको पढ़ाना है, संभालना है, माँ तो संभालती है ना, सब संभालती है। तो हमें याद है कि मेरा बचपन मकान बनाने से शुरू हुआ था। अच्छा। उनके पीछे भी जाता था मैं, कभी ईंट उठाना, कभी रेत उठाना। बचपन में ये नहीं मालूम आर्किटेक्ट बनने वाले हैं।
तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। मतलब कहीं ना कहीं आपके बचपन में भी आपने घर बनाने का काम कर लिया। मुर्ते थे वहां पर कुछ भी ये नहीं मालूम था कि आगे जाके हम मकान बनाएंगे। जब हम साइड पे जाते हैं तो हमें याद आता है, आई कैन डिस्टिंक्टली रिमेम्बर कि मैं अपनी माँ की पल्लू पकड़ के पीछे चलता था उनके साथ। ओके, क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? 7 साल के थे। और तो पढ़ाई भी कर रहे थे आप स्कूल में? फिर नहीं, माँ ने हमने बच्चों पर क्लच तो नहीं होता उस जमाने के अंदर, जो साथ में पाठशाला होती थी वहाँ बच्चों को पढ़ने लिखाने का बंदोबस्त किया गया था, तो पढ़ने जाते थे हम लोग। फिर जब 4-5 क्लास जब पास कर गए तो अच्छा हुआ कि हम 4th क्लास के अंदर क्लास में फर्स्ट आ गया। पूरी क्लास में? पूरी क्लास में फर्स्ट। और हमें प्रिंसिपल में खड़ा किया बेंच के ऊपर, सब में तालियां बजी। हमें नहीं मालूम था क्या हो गया हमको। आपको लगा होगा कि पनिशमेंट करने के लिए खड़ा किया है। तो हमको बोला कि बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया बड़ा अचीवमेंट किया हम लोग। उसके बाद में हम लगन हो गए पढ़ाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए। तो हमने शुरू किया कि कुछ साधन ढूंढा जाए कमाई करने का। आई स्टार्टेड सेलिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, देन गो टू स्कूल, देन आफ्टर कमिंग स्कूल आफ्टरनून आई गो टू सेल बलून्स, गुब्बारे बेचते थे। आप कमाई करनी है कैसे करें, कैसे लड़ने के लिए। एक और कहानी मैंने सुनी है सर, आपने स्कूल में टॉप करने की बात की, तो हमने ये सुना है कि ये स्कूल की पढ़ाई शमशान घाट में बैठकर करते थे। हमारे घर में बिजली नहीं थी, होता गरीब घर में नहीं होती है, तो एक बार लैंप पोस्ट था, लाइट स्ट्रीट लाइट, तो वहां बैठ के पढ़ते थे। कभी सर्दी के अंदर बहुत ठंड लगती थी, कभी कभी बिजली चली जाती थी। नजदीक में एक शमशान थी, हम दूर से देख सकते जलती चटाकर, तो हम दिल क्या चले जाते हैं वहां पर, उधर वहां बैठ के हम पढ़ते थे उधर आराम से, बड़ी शांति आनंद से, कभी कभी सो भी जाते थे उधर। ये तो स्कूल की बात हो गई सर। स्कूल के बाद आप हंसराज कॉलेज गए थे, लेकिन सुना है कि वहां ज्यादा देर तक आप टिक नहीं पाए, क्या वजह थी इसमें? कोई रैगिंग वैगिंग या कोई और रीजन? हमारी फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी कॉलेज में जाके, क्योंकि गरीब बच्चे थे, हमारी बैकग्राउंड ठीक नहीं थी, तो मेरा क्लमजी था मतलब, तो सीनियर लोगों ने मुझे पकड़ा तो ठीक नहीं है, बरोबर नहीं है, कल से कल मत आना, बहुत मेरे को उन्होंने ये डांटा, ये किया वो किया। सीनियर्स ने डांटा, कहने का मतलब ये था ये वांटेड मी टू इम्प्रूव। पर दूसरी बात ये कि सोचने लगा कि मैं ये पढ़ के क्या करूंगा, ये बीए करके बीएससी करके, आई वाज वेरी गुड ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मतलब छोड़ो पढ़ाई छोड़ देते हैं, छोड़ नौकरी करते हैं। अच्छा, तो आपने मतलब हंसराज कॉलेज छोड़ के उस वक्त सोचा कि नौकरी करते हैं, नौकरी ढूंढने लगे हम लोग। एक नौकरी मिली थी ब्लू प्रिंटिंग बॉय के लिए, वो इंजीनियर का ऑफिस था, वहां बैठे बैठे स्पेयर टाइम के अंदर जब भी काम नहीं होता था, तो मेरे ड्राइंग हाथ अच्छा था, वो मुझे मौका देते भाई तू थोड़ा इसकी कॉपी कर दे, इसका नया ड्राइंग बना दे, ट्रेसिंग कर दे। दे डिस्कवर्ड, उनको मालूम पड़ा कि दिस बॉय इज गुड, अच्छा है काम करता है, तो मुझे ड्राइंग करना सिखाया उन लोगों ने। इंजीनियरिंग ऑफिस के अंदर आर्किटेक्ट लोग भी आते थे, तो मुझे देखते थे भाई हाथ मेरा अच्छा है, ड्राइंग अच्छा करता है, पर मेरी मजबूरी है कि मुझे कमाई करनी है, दिन में काम करना है। तो वहां नाइट स्कूल था दिल्ली में, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, उन्होंने कहा भाई तो 7 साल का कोर्स है नाइट स्कूल, वहां पढ़ लो तुम रात को, दिन में काम किया करो, क्योंकि एडमिशन नहीं मिली उधर। अच्छा, फिर मालूम पड़ा कि बॉम्बे में एक कॉलेज है सर, जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। जी जी, तो उठाया संदूक बक्सा, बॉम्बे आ गए और कोशिश किया, लंबी कहानी है उसकी, नौकरी भी मिल गई और अपना ये कॉलेज में एडमिशन भी मिल गई। जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में मैं कई बार जा चुका हूँ, मेरे कई दोस्त भी हैं, वो बहुत है हिप और हैपनिंग कॉलेज है, तो उस माहौल में आप कैसे फिट हुए? मैं मॉर्निंग स्टूडेंट था, तो हम कैंटीन में जाके बैठते थे उधर, तो स्टूडेंट आते थे, अपने सीनियर लोग आते थे, बड़ी बड़ी अंग्रेजी में इंग्लिश में बात करते थे, टॉकिंग अबाउट यू नो इंटरनेशनल लैंग्वेज ओवर देयर, इंटरनेशनल नेम ब्रांड्स, यू नो फ्रैंकलर रॉय ग्रोपियर्स एंड यू नो एस्कनमायर, बिग बिग नेम, एंड आई टू लुक एट देम आई सेड मिस्टर इडियट प्रेमनाथ तो बेवकूफ है तो गधा है, ये तो कितने होशियार लोग हैं तेरे से, तेरे को कुछ नहीं मालूम, तो खाली ड्राइंग बनाना जानता है, नौकरी तेरे को आती है, पढ़ाई लिखाना जानता है, तेरे को कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे पहले कि ये कहानी आगे बढ़ा, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने किया क्या था। ये जो समझाएंगे उसका सवाल है कि ये जहां से आए थे, जिस तबके से आए थे, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था, काम बहुत अच्छा करते थे, तो इन्होंने अपने आप को ग्रूम करने के लिए ग्रूमिंग लेसन लिए, डांस सीखी और अंग्रेजी बोलने भी सीखे, राइट? बिल्कुल, आई वेंट टू ऑल दी क्लासेस। और एक बात भी है, समथिंग कॉल्ड प्रेमनाथ मोटर्स के ओनर भी आप बन गए, ये कहानी बताता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, फेक नोबडी को देना, अब फेक फादर, फेक नेम है, पर क्या करूं, अपनी इज्जत बचाने के लिए, हम किसी से कम नहीं वाली बात है ना। जी जी, तो ये आप मेहनत खुद कर रहे थे और कमा भी खुद रहे, कमा खुद रहे थे और किसी को नहीं मालूम, सब समझे बड़ा अमीर आदमी है, ये है वो है, देन आई इनवाइटेड टू द क्लब, इनवाइटेड होम पार्टीज, गोइंग टू सीसीआई क्लब, गोइंग टू बॉम्बे जिम, गोइंग टू वेलिंगटन,
I think great. But a good personality, that happened, good chance. I learned a lot in life. Jee. I learned grooming. I learned lifestyle. I seen big life over there as a student. इनसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा. इन्होंने लड़का लड़की पार्टी वार्टी की बात की और जे जे कॉलेज में थे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे नॉटी क्षण भी आए होंगे इनकी जिंदगी में, लेकिन वो सब एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ. I would say be strong and never give up. This is what exactly you need when you get into this entrepreneurship. Introducing International Standard Air and RO Water Purifiers. Products from Future Choice Group, a leading diversified business group assuring future. Join Merchant Navy and Hospitality Management, BSc Nautical Science, Electro Technical Officer, ETO course, and HND Nautical Science in Marine Engineering. Courses approved by Director General of Shipping, Government of India, and MCA Government of UK. BP Marine Academy, best infrastructure amongst marine institutions in India. Rated outstanding by DNVGL. Twice received the Limca Book of National Record for training highest number of candidates. 100 quintal fabric mein yun khareed leta hun. ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ. मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो. ये मैं ऐसे खरीद रहा हूँ. इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com. काम यही बनता है. Performance needs freedom. Goods and services tax for free flow of goods across the country and ease of doing business. GST, one nation, one tax, one market. Sab chhod ke hum to bhagenge. बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है. किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल. जी वो हम सोच रहे थे कि अगर कुछ 25 लाख अगर ठीक है तो. आंटी जी कम से कम 50 लाख, और हाँ एक फ्लैट और एक लंबी सी गाड़ी. हाँ अगर ये आप दे सकते हैं तो बात करते हैं. बदल रहा है इंडिया का स्वाद. फ्रूट्स अप, फ्रूट भी दिस भी. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है. GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आप देख रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प शो जिसका नाम है सेल्फ मेड, और हमारे साथ बैठे हैं द सेल्फ मेड प्रेमनाथ साहब. प्रेमनाथ जी, कॉलेज वक्त में हर लड़के लड़की की जिंदगी में एक ऐसा वक्त तो जरूर आता है जब किसी की झलक देखकर हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीने आते हैं. आई एम श्योर कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा वक्त जरूर आया होगा. कुछ बताइए उस बारे में. कॉलेज में आई बिकम ए स्मार्ट बॉय. मैंने ग्रूम कर लिया था अपने आप को, एंड ऑलमोस्ट एवरी गर्ल, गुड लुकिंग हैंडसम गर्ल बॉयज, दे वांट टू बी पार्ट विद मी, वांट टू फ्रेंड विद मी. राइट राइट. और एक दफा ऐसा पकड़ में आ गया मैं. हाँ अच्छा. और रहता था मैं खोली के अंदर, इन लड़कियों ने मुझे ढूंढ लिया वहां पर आके. किन लड़कियों ने? जो मेरे कॉलेज सहेलियां. इसमें कोई खास थी के? हाँ थी, दो तीन लड़कियां जो कथी फ्रेंड थी, जो वेरी क्लोज टू मी थी, इंटीमेट थी. So they actually landed up at the Kholi. Yes. Scotland, I know how they found it. Very smart girl, intelligent girl. They coming with rich family, resourceful people. But they got tears in their eyes.
तो ऐसे भी हमने लंबे गुजारे उसके बाद भी। चलते हैं कॉलेज के बाद वाले आपके जोन में, जब आपने नौकरी शुरू की, काम शुरू किया, डिजाइनिंग शुरू की, वो वक्त कैसा? एक दफा जुहू में संडे के दिन वहाँ पर कुछ मुहूर्त चल रहा था, मुहूर्त चल रहा था कोई जमीन के ऊपर, तो हम भी देख रहे क्या देख रहे हैं हो रहा है आसपास। जी जी। तो मालूम पड़ा कि धर्मेंद्र साहब अपने घर का भूमि पूजा कर रहे हैं। फिल्म स्टार धर्मेंद्र, धर्मेंद्र फिल्म स्टार। जी जी। मैंने कभी उनको कोई देखा नहीं था पहले, उनको ना उनके मैंने पिक्चर देखी थी ना उनको मैं जानता था। अच्छा। पर ठीक है, तमाशाबीन की तरह खड़े होकर देख रहे थे वहाँ पर। तो उन्होंने, मैंने बताया उनको मैं कौन हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, नक्शे बनाता हूँ, डिजाइन करता हूँ, बंगले बनाता हूँ, बिल्डिंग बनाता हूँ, ये करता हूँ, बड़े टॉप स्टोरी डिंग डांग मारा पकड़ के। हाँ। बड़े इंप्रेस हो गए। अच्छा, पंजाबी आदमी है, हमारा भी डिजाइन करने का है। तो घर ले गए मेरे को। अच्छा, डैडी के साथ, मतलब ही हैड नो क्लू, नथिंग, डैडी के साथ बिठाया, ऐसा ऐसा करना है, बताया डिजाइन लेके, हाँ बना के लेके आएंगे। नेक्स्ट वीक डिजाइन लेके चला गया उनके पास। क्या बात कर रहे हो, उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? 24, 25 फोन का भी साथ में मकान बनना है। उनको फोन किया है, ओम जी हमें तो आर्किटेक्ट मिल गया, आप भी रख लो उसको। अच्छा, एक नहीं दो काम। घरों की बात हो रही है तो एक और बड़ा ही आलिशान घर प्रेमनाथ जी ने डिजाइन किया था, जो एक और हिस्टोरिकल हाउस है। उस घर में जो रहते थे उनके बारे में पूछते हैं सर, धीरू भाई अंबानी। जी हाँ जी हाँ। उनका घर ना आपने सिर्फ डिजाइन किया, लेकिन मैंने सुना है कि रिकॉर्ड टाइम में डिजाइन किया। जी हाँ जी हाँ। अब डूइंग है जॉब फॉर दिस फेलो जूलियन स्कॉट। तो मैं उनको मिलने गया था वहां पर लॉबी में, ताजमहल लॉबी में उन्होंने मुझे बुलाया था, बातचीत कर रहे थे वहां पर। तो वहां से निकल रहे थे वहां पर, तो अचानक धीरू भाई अंबानी नीचे बाहर निकले और उसने वहां पर बेरे सल्यूट मारा उसने, वेटर ने। तो वो मुझे पूछते हैं सल्यूट तेरे को मारा कि मेरे को मारा है? कल बना दूंगा सब। जैसे मेरे कोई फास्ट आदमी नहीं मिलेगा आपको, कहता चल गाड़ी में बैठ, लेके गया फ्लैट के ऊपर। इमीडिएटली गेव मी ऑर्डर बाय इवनिंग एंड नेक्स्ट टू मंथ्स फ्लैट वाज रेडी। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रेमनाथ जी से उन इमारतों के बारे में, उन इंस्पिरेशनल बिल्डिंग्स के बारे में जिन्हें इन्होंने बनाया है, और आगे भी बहुत सारी स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, स्मार्ट आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत ही इंस्पायर करने वाली चीजें कर रहे हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए, सुनिए। एंटरटेनमेंट नहीं रुकता। जी हाँ, ये इन्वर्टर पर भी चल सकता है। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू एक्सेंट, द स्टाइलिश फैमिली सेडान। We are possibly one of the fastest growing markets in pharmaceutical, and volume growths in India are going to be significantly and almost two times what we would see in other parts of the world. We've developed our own technologies, our own API. We use nanoparticulate technology, liposomes, microspheres, and so, you know, we're actually spanning the whole world. We are working with all kinds of government initiative in making sure that medicines are available to the needy and at affordable prices. We can be a great sector in making sure that we can service the needs of patients in India and several other parts of the world, and that's a huge manufacturing footprint. When you will live in the present at this moment, you will be fully focused and you will be successful. If you want to achieve something, strive for it, because
Defeat is only when you accept the defeat. Don't let your success turn into greed. The moment you get into greed, then you will not be able to get it. वो एक आदमी आया था 30 साल पहले, उसने बात तो अच्छी की, उसकी वजह से मुझे ये करने को मिला. That means I will be still alive at that time when you will be talking about it. जी बिजनेस के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? राजस्व भी ज्यादा बढ़ेगा और व्यवसाय भी इससे सरल होगा. इस संदेश को लोगों तक पहुंचाए. बिजनेस के उतार चढ़ाव में जब बात हो आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा. जी बिजनेस, आपका फायदा. नया अंदाज, नई खबर, मंडी लाइफ का नया तेवर, फायदे की हर खबर पर नजर, एक्सपर्ट्स के साथ मुनाफे की बात, कमोडिटीज पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, मनी लाइव कॉलर शो, आपकी खबर आपका फायदा. मंडे टू फ्राइडे 5:26 PM. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आप देख रहे हैं सेल्फ मेड और मैं हूं रोहित रॉय और मेरे साथ हैं द ग्रेट, द चार्मिंग, द एवरग्रीन प्रेमनाथ जी. चलिए अब चलते हैं इनकी जाती जिंदगी की ओर. वो आई एम श्योर कॉलेज से पहले अलग थी और शादी के बाद अलग रही होगी. आपकी शादी पे चलते हैं. शादी आपके बहुत ही अच्छी वेल टू डू फैमिली में हुई एंड माशाल्लाह प्रीति जी इज एन एक्सट्रीमली अकॉम्प्लिश्ड वुमन हरसेल्फ. इससे पहले कि आप उनके बारे में या वो इनके बारे में कुछ बताएं, चलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रीति प्रेमनाथ जी का. आइए, वेरी वेरी वार्म वेलकम मैम. How sweet. What was the first thing that struck you about Premnath ji? That he's a flirt. That is. Preeti ji, ये तो इतने जाने माने आर्किटेक्ट हैं, आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, डिजाइनर हैं. Did you pursue that after you met him? Not at all. बिल्कुल नहीं, मतलब आपने कुछ नहीं किया उसके बाद. I had no time. I gave him 4 kids in 8 years. Wow. So that was a big achievement. that was a big achievement. Yeah, that is that definitely. तो आप लोगों का घर है, वो किसने डिजाइन किया? इन्होंने किया या आपने किया? इन्होंने किया. ये इन्होंने किया? इन्होंने किया. अच्छा, वाह वाह वाह. तो इसी बात पे एक छोटा सा वीडियो देखते हैं इनके बारे में, इनके घर के बारे में, जो आई एम श्योर आप सबको बहुत बहुत अच्छा लगेगा. लेट्स टेक अ लुक एट द वीडियो. He never forced us into becoming an architect. He always supported us, and I really thank you for supporting our dreams. He taught me how to horse ride, boating, swimming, a lot of things, and he taught me a lot of things in life which I'll always remember. He said you can be a jack of all trades, but you must also be a master of one, and I'm continuously on that path. Prena. He's our grandfather. A person who starts from zero is always a hero. क्या बात. अब कुछ ऐसी बातें कर ले जो अक्सर ऐसे जब इतने रोमांटिक ड्यूओज आते हैं. What is according to you इनकी सबसे इरिटेटिंग हैबिट कौन सी है? ऐसी खाली एक तो नहीं बता सकती, दो चार बता. हाँ तो बताइए बताइए बताइए. आज हम लोग इन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं तो दो चार बता दीजिए. इन्होंने इतनी अचीवमेंट की है तो ही इज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम, शॉर्ट ऑफ टेंपर, शॉर्ट ऑफ टेंपर, एंड इच्छाएं बहुत हैं. जी जी. फॉर एग्जांपल हमें राउंड द वर्ल्ड 7 days में कराया है. अच्छा. हाँ तो मुझे याद नहीं. राउंड द वर्ल्ड 7 days में कराया. तो मुझे खाली एक कंट्री देखने में 7 दिन कम पड़ गया. हाँ तो मुझे इतना ही याद है कि मैं प्लेन से उतरती थी, बक्सा बंद करती थी, प्लेन में जाती थी. अच्छा. और अचानक अगर इनको लगता था कि अभी 2-4 दिन और थोड़ा काम ढीला है, तो सैटरडे के दिन में ही वुड कम एंड टेल मी
hey, let's go for a holiday. Yeah. But I said, I've got my four kids. I mean, just send them to your mother's house. Achha. And we'll go. But where? Huh. We'll go to the airport and decide. Huh. Whichever ticket we'll get, we'll go. But don't you find that fantastic? Ye aapko unki irritating habit lagti hai? Nahin, ye habit irritating nahin lagti thi because I was equally mad like quite him. Romantic. Yeah. Quite mad. Haan, bilkul, bilkul. Aapke itne lambe career mein, wo kaun sa project hai, wo kaun sa building hai, ya wo kaun si imarat hai, जिसे बनाने में क्लाइंट को तो मजा आया ही होगा लेकिन आपको 150% मजा आया। मजेदार बात यह है कि हम भाग्यवान हैं कि हमने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो देश में सबसे पहले हमने की है। अच्छा अच्छा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का फर्स्ट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट एम्बेसडर होटल हमने बनाया 1975 में। ओह वाओ, आई डिडंट नो दैट। फैंटास्टिक। इंडिया का जो सबसे पहला प्लैटिनम रेटेड ग्रीन आर्किटेक्चर कैंपस आर्किटेक्चर बड़ौदा में बनाया हमने सैगनस स्कूल फर्स्ट इन द कंट्री। मतलब कहने मतलब कि हमें अवसर मिला है कि दुनिया में देश में सबसे पहले जो किसी ने काम नहीं किया हो हमने काम किया है। अभी हम बना रहे हैं दिल्ली में एक बहुत 7-star होटल बना रहे हैं एंटरटेनमेंट होटल जहां पर आई एम मेकिंग वहां देयर वहां पर होटल में अभी मेकिंग प्राइवेट बीच इन गुड़गांव। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा ये नहीं नहीं ये 35 साल के नहीं है ये 75 साल के 76 ईयर ओल्ड लेकिन yes. आपकी एनर्जी एक 17 साल की है सर। कोई इंस्पिरेशनल बात बताइए कि आपने जो इतनी अलग अलग चीजें की हैं ये जो सो मेनी फर्स्ट दैट यू स्पीक ऑफ इसके पीछे राज क्या है? सर ऐसा है कि आर्किटेक्ट मैंने सोचा ना जिंदगी से बचपन से ही यू हैव बी एक्सीलेंट दिस वर्ल्ड बिलोंग टू सुपीरियर पीपल आपको सबसे आगे सबसे उत्तम होना चाहिए जी 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 सेकंड क्लास नहीं वो सोच के आर्किटेक्ट हैज टू बी स्मार्टर देन एनीबॉडी एल्स आपसे मैं होशियार नहीं हूंगा तो आप मुझे काम क्यों देंगे। क्या बात है सचमुच जिंदगी जिए कोई तो प्रेमनाथ जी जैसे इन्होंने डर से दो दो हाथ किया भाग्य को पछाड़ा गरीबी को धुतकारा और अपने लिए एक ऐसी मंजिल तराशी जहां पहुंच पाना सर्वसाधन युक्त लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसी महान जिंदगी को हम सलाम करते हैं सेलिब्रेट करते हैं। प्रेमनाथ जी एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने का और आप लोगों के साथ अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक ऐसे ही और इंस्पायरिंग स्टोरी एक इंस्पायरिंग शख्सियत के साथ। तब तक खुश रहिए आबाद रहिए फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच लेन जमन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दोस्तों अगर आपकी कहानी भी प्रेमनाथ जी से मिलती है और भारत के स्टार्टअप रेवोल्यूशन में योगदान दे सकती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@brandsacademyindia.com। हमारा फोन नंबर है 9999976639।